आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आतंकी अपने घरों में डरने लगे तो HT लीडरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा सरकार में लोगों का भरोसा बहाल किया। प्रदूषण, उत्तराखंड रोडवेज की 194 BS4 बसों की दिल्ली में एंट्री बंद। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण उत्तराखंड रोडवेज की 194 BS4 बसों की दिल्ली में एंट्री बंद हो गई है। इनमें 41 वॉल्वो बसें भी हैं। दिल्ली रूट पर 40% बसें कम होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ से रोजाना 400 से ज़्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। अब देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार और कुमाऊँ मंडल से चलने वाली कई बसों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो गया है। 269 बसें ही जाएंगी दिल्ली, तो उत्तराखंड की 269 बसें ही अब दिल्ली जा पाएंगी। इनमें 180 CNG, 12 BS6 वॉल्वो, 77 नई BS6 साधारण बसें हैं। 53 नई बसें भी आने वाली हैं। यह बसें एक सप्ताह के भीतर सड़क पर उतरेंगी। सुखबीर बादल ने अकाली दल का अध्यक्ष पद छोड़ा। आक्रोश, मणिपुर में 300 मिलने के बाद हिंसा, मंत्रियों के आवासों पर हमला। मणिपुर के जीरीबाम जिले में 3 लोगों के शव बरामद होने के बाद शनिवार को इम्फाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में तनाव फैल गया। यहां सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने मणिपुर के 3 मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया। 6 विधायकों के घरों पर भी हमले किए गए, जिनमें से 3 की संपत्ति में आग लगा दी गई। सड़क हादसे में IAS अफसर के ड्राइवर की मौत। सहधारा रोड पर सड़क पार कर रहे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के ड्राइवर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। 5 और शहरों के लिए हवाई सेवा की तैयारी। उत्तराखंड सरकार 5 और शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इससे पर्यटकों और उद्योगपतियों के लिए यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। G20 सम्मेलन में सार्थक चर्चा की उम्मीद। महंगी शराब बिकने के मामले में हटाए गए जिला आबकारी अधिकारी बिंजोला। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की गाज जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिंजोला पर गिरी है। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने उन्हें हटाते हुए मुख्यालय से संबंध करने के आदेश जारी किए हैं। हादसे रोकने के लिए प्रदेश में होगी सघन चेकिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रदेश में हर माह सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान वाहनों की ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मणिपुर में फिर हिंसा, मंत्रियों विधायकों के घरों पर हमला, तोड़फोड़ और आगजनी की। झांसी अग्निकांड की त्रिस्तरीय जांच, 6 शिशुओं का पता नहीं। तो मेडिकल कॉलेज में जिंदा जले थे 10 नवजात, 12 गंभीर रूप से घायल हैं। आतंकी अपने ठिकानों पर भी महफूज महसूस नहीं करते। तो PM मोदी ने कहा समय बदल गया, पिछली सरकारों में आतंकवाद के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते थे। आज बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद करने को लेकर चल रही पंच पूजा के चौथे दिन शनिवार को रावल अमरनाथ नंबूदरी ने माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ अभिग्रह में विराजमान होने के लिए आमंत्रण दिया, साथ ही माता लक्ष्मी को कड़ाई भोग लगाया। 15 दिन में सोना 5,350 और चांदी 9,910 रुपये सस्ता हुआ। भूमि पूजन के साथ यमुनोत्री रोपवे परियोजना का कार्य शुरू हुआ। दिल्ली में उत्तराखंड की 288 बसों के प्रवेश पर लगी रोक। कौन बना रहा है घुसपैठियों का राशन व आधार कार्ड?
घुसपैठ कई राज्यों में बड़ी समस्या बनने लगी है और माना जा रहा है कि समय रहते इसे नहीं निपटा गया तो देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। राज्य इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ता है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे पूछते हैं कि इन घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाकर इन्हें वैधता कौन दे रहा है। भाजपा सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहती है जनता, तो गांधी वाचनालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उपाध्यक्ष व उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है और अब इस सरकार से मुक्ति चाहती है, जिसका परिणाम भाजपा को नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, तो नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्देशित करते हुए कहा, निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरे किए जाने चाहिए। तलवाड़ी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। वन्य जीवों से सुरक्षा को योजना बनाएं। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 25,000 हो। मुख्यमंत्री धामी महाराष्ट्र रवाना हुए। बेकाबू सुरूर पर आयुक्त व डीएम ने की चोट, तो 5 सितारा होटल हयात की 24 घंटे शराब पिलाने की अनुमति को किया निरस्त। शहर की सड़कों पर रात के जश्न के बाद रफ्तार की जंग पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकारी मशीनरी अब सभी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दून में कोई भी बार रात 11 बजे के बाद न खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई की जद में 5 सितारा होटल हयात रिजेंसी भी आ गया। होटल को मिली 24 घंटे शराब पिलाने की अनुमति को आबकारी आयुक्त SC सेमवाल ने निरस्त कर दिया। दून अस्पताल के सफाई कर्मियों ने आश्वासन के बाद वापस ली हड़ताल। सुरक्षा को लेकर सप्ताहांत में रात 12 बजे तक बार खोलने पर DM ने लगाई रोक। प्राचार्य ने दिए ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था सुधारने के निर्देश। अनियंत्रित हुई बस पोल से टकराई, 4 घायल। तो डोईवाला से खबर आई है, देहरादून से मुरादाबाद जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस लच्छीवाला टोल प्लाजा में चालक के लेन बदलने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के होर्डिंग पोल से टकरा गई। हादसे में परिचालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। बाकी यात्रियों को अन्य बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की पैनी नज़र। 3,000 परिवारों को मालिकाना हक देने की मांग। कल अवकाश पर रहेंगे रोडवेज के 275 चालक परिचालक। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ग्रामीण डिपो शाखा की ओर से सोमवार से डिपो कार्यालय पर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर 275 चालक परिचालकों व अन्य कर्मचारियों ने शनिवार को अवकाश का प्रार्थना पत्र डिपो प्रबंधन को सौंप दिया। ऊर्जा निगम मुख्यालय पर गर्जे अवर अभियंता, तो पदोन्नति समेत 13 सूत्री मांग को लेकर किया सत्याग्रह। छात्र संघ चुनाव में देरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बताया। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के उपजे विवाद के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के बाद अशासकीय कॉलेजों ने भी परोक्ष रूप से उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहरा दिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश के जिन 11 अशासकीय कॉलेजों का छात्र संघ चुनाव न कराने पर जवाब तलब किया गया था, उन्होंने अपना जवाब सरकार को सौंप दिया। सूत्रों के अनुसार कॉलेजों ने कहा कि पिछले साल भी सरकार ने ही छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित की थी, लिहाजा इस साल भी कॉलेज प्रबंधन सरकार के फैसले का इंतजार करते रहे। साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया का लगातार जारी रहना भी इस गलफत का सबसे बड़ा कारण रहा। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार 11 में से देहरादून के दयानंद महिला प्रशिक्षण कॉलेज और हरिद्वार की महिला कॉलेज ने अक्टूबर में चुनाव करा लिए थे, लेकिन बाकी कॉलेज चुनाव नहीं करा पाए। मालूम हो कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। सरकार का कहना है कि अशासकीय कॉलेज
कॉलेज HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध है, जहां 30 सितंबर से पहले 3 परिसरों के चुनाव हो गए थे, तो उससे संबंध कॉलेजों ने चुनाव क्यों नहीं कराए। सरकारी विश्वविद्यालय भी ठहरा चुके उच्च शिक्षा विभाग को दोषी। स्वास्थ्य विभाग में 352 ANM की तैनाती जल्द। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 391 पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इनमें उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 31 अभ्यर्थियों के परिणाम को होल्ड पर रखा गया है, जबकि 8 पद अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए हैं। कुल 352 अभ्यर्थियों का चयन ANM के पद पर हो गया है। इन अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। विशेष BED प्रशिक्षित बोले, रिव्यू दाखिल करे सरकार। तो राज्य में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए सृजित विशेष शिक्षकों के 388 पदों पर भर्ती का रास्ता मुश्किल हो गया है। हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक भर्ती में BED की पात्रता को समाप्त करते हुए DED विशेष शिक्षा को पात्रता बनाने के आदेश दिए हैं, जबकि राज्य में इस श्रेणी में अभ्यर्थी 9 के बराबर हैं। एक्सपायरी या कीटनाशक बांटने वाली फर्म पर मुकदमे के आदेश। तो अल्मोड़ा में किसानों को एक्सपायरी डेट का कीटनाशक देने वाली कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा करने के आदेश दे दिए हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो नए शैक्षिक सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में हजारों और छात्रों को वर्चुअल और ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 840 हाइब्रिड क्लास और 1878 स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। त्रिस्तरीय ढांचे का ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के लिए शासन को भेजा। तो KV की तर्ज पर बनेंगे 3 संवर्ग, PRT, TGT और PGT। प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के तहत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसे मंजूरी मिलने पर केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर त्रिस्तरीय संवर्ग PRT, TGT और PGT होंगे। बताया गया कि विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो रहे थे, जिसे देखते हुए इस तरह का ढांचा बनाया जा रहा है। अशासकीय विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव कराने के निर्देश। तो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने प्रदेश के उन अशासकीय विद्यालयों में जिसमें प्रशासक बैठाए गए हैं तय समय पर प्रबंध समिति के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को मिले 352 ANM तैनाती जल्द होगी। दून में खुलेगा संस्कृत इंटरमीडिएट विद्यालय। कौशलम खोलेगा नवाचार के द्वार, तय होगा रोजगार। तो शिक्षा विभाग 9वीं से ही छात्रों को बेहतर रोजगार, स्टार्टअप शुरू करने और सफल उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत स्कूली बच्चों में उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए उनकी रुचि को पहचान कर उन्हें संबंधित उद्यम के लिए कौशलम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डेटा की सुरक्षा भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती। इंटर कॉलेज के छात्रों ने किया THDC का शैक्षिक भ्रमण। शिक्षा और उद्योग की दूरी समाप्त करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान है जरूरी। नीट UG काउंसलिंग में खाली रह गई 11 सीट के लिए होगा स्पेशल राउंड। पछुआ दून में बाहरी लोगों की 96 संपत्तियां चिन्हित की। भीषण कार हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। शराब के ओवर रेटिंग न रुकने पर जिलाधिकारी अधिकारी हटाए। ब्रेक के नीचे बोतल फंसने से कार हादसा। तो दून के ONGC चौक पर कार दुर्घटना में 6 युवाओं की मौत के मामले में नई बात सामने आई है। जांच में कार के ब्रेक के नीचे पानी की बोतल मिली है। संभावना जताई जा रही है कि तेज गति में जब कार चला रहे युवकों ने रोकने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लग सके। दुर्घटना स्थलों की 3D मार्किंग की रिपोर्ट तलब की। MBBS की सीटें भरने के लिए अब स्पेशल काउंसलिंग की जाएगी। तो नीट UG की 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद MBBS की 11 सीटें खाली हैं। HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से अब स्पेशल राउंड आयोजित किया जाएगा। व्यक्तिगत सहायक भर्ती में छूटे युवाओं को फिर मौका।
तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में व्यक्तिगत सहायक एवं आशुलिपिका के रिक्त पदों पर वर्ष 2021 समय आयोजित परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों की भर्ती को दोबारा मौका मिलेगा। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तराखंड राज्य चयन आयोग ने 10 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित कराने की तिथि निर्धारित की है। इस परीक्षा का समय और स्थान बाद में चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बात करते जॉब ऐड को लेकर तो कोल इंडिया लिमिटेड में 640 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राइट्स लिमिटेड में 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 2 से 6 दिसंबर को होगा। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 118 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे में 56 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में दिखा पक्षियों का संसार, तो 2 दिवसीय पक्षी गणना के पहले दिन कई प्रजातियों के 1020 पक्षी दिखे। बिना अनुमति भूमि खरीदने पर 18 लोगों को नोटिस जारी किया। 15 दिसंबर तक लगेंगे सभी 34 खेलों के शिविर, तारीखें जारी हुई। बिजली चोरी में सितंबर तक 2517 FIR दर्ज किए। GTCC ने किया देहरादून, हरिद्वार व शिवपुरी में निरीक्षण। माता लक्ष्मी को दिया गर्भगृह का आमंत्रण। पंतनगर विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 27 को होगा। केदारनाथ कसौटी पर भाजपा संगठन। आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पर सरकारी वाहनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। बार को अतिरिक्त समय देने का आदेश निरस्त किया जाए। केदारनाथ उपचुनाव के दौरान रुद्रप्रयाग में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। बेस अस्पताल में डॉक्टरों ने OPD या कराई बंद, बनी तनाव की स्थिति। पिथौरागढ़ पहुंचे मोहन भागवत। पहाड़ी दरकने से अल्मोड़ा हल्द्वानी NH हुआ बंद। केदारनाथ से शिला कौन कहां ले गया कांग्रेस बताए। मरचुला हादसे के मृतकों के परिजनों को बांटा मुआवजा। शादी से पहले सेफ सफर ऐप से कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हककधारियों को हटा रही सरकार, तो पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार आपदा प्रभावितों के हितों की अनदेखी कर रही है। युवाओं की कार ने कावली रोड चौकी से किया था मौत का यू टर्न, तो स्मार्ट सिटी ने गत सोमवार को काली रात की परतों को उठाना शुरू कर किया, तो कई ऐसे सामने आए जिनके बारे में रह रहकर चर्चाएं हो रही हैं। युवाओं की यह कार वाड़िया इंस्टीट्यूट से बल्लीवाला, गोविंदगढ़ और फिर कांवली रोड स्थित पुलिस चौकी तक पहुंची थी। इसके बाद फिर यहीं से यू टर्न लिया और दोबारा GMS रोड की ओर मुड़ गई। बस यही यू टर्न इन 6 युवाओं की मौत का यू टर्न बन गया। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे पुलिस के CCTV और स्पीड मॉनिटर कैमरे। दून वैली और चैलेंजर में होगी खिताबी भिड़ंत। विज्ञान प्रदर्शनी में अविका लेंगी हिस्सा। दिल्ली जाने वाले 194 बसों का संचालन ठप। गढ़वाल पर क्षेत्र से रोडवेज की 80 बसें नहीं जा पाएंगी दिल्ली। हल्द्वानी काठगोदाम डिपो ने भी नहीं भेजी बसें। मसूरी वीकेंड पर लगा जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। नौकरी के नाम पर 24 लाख ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो देहरादून से खबर है। धोखाधड़ी कर बचत खाते से निकाल लिए 980,000 रुपये। आरोपियों ने बनाई थी फर्जी चेकबुक, पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी अग्निकांड ने दून को झकझोरा, प्रशासन सतर्क हुआ। दून में सजा बाव का मंच, जुटे प्रदेश भर के साहित्यकार। आदि गौरव महोत्सव में दूसरे दिन माया उपाध्याय ने बांधा समा। मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर के निकाली पैदल यात्रा। वीकेंड पर गुलजार हुए पर्यटक स्थल, तो वातियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने किया चक्राता का रुख। मसूरी, कैम्पटी और धनोल्टी में उमड़े सैलानी, सड़कों पर जाम रहा। बैंक कर्मियों की
मिलीभगत से ग्राहक के खाते से निकाल लिए 980,000 रुपये। ब्रिटेन में नौकरी के नाम पर ठगी। 10 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी केंद्र कैसे भेजे अभिभावक अपने बच्चों को, तो चमोली के अनुसूचित जाति बहुल गांव एराठा में नहीं खोला गया केंद्र। कोहरे के कारण घंटों देरी से पहुंच रही ट्रेनें, तो पिछले 3 दिन से कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से 1 से 10 घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं। 17 लाख रुपए की चरस के साथ 2 तस्कर दबोचे गए। महिला ने सेवानिवृत्त शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसा, 3,65,000 रुपये तड़पे। तो महिला पर विश्वास कर उसके घर चाय पर जाना काशीपुर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक को महंगा पड़ गया। आरोप है कि इस दौरान महिला ने अपने कपड़े उतार लिए और चाकू की नोक पर शिक्षक के भी कपड़े उतरवा दिए। तभी 3 अन्य लोग भी वहां आ गए और शिक्षक की पिटाई कर उससे 3,65,000 रुपये ले लिए। पुलिस ने महिला समेत राशन डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश में पुलिस टीम लगी है। यह गिरोह अब तक 12 लोगों को शिकार बना चुका है। पर्वतीय मार्गों पर लगाए जाएंगे रोड साइन। नहीं पहुंचा हेलीकॉप्टर, यात्रियों को टैक्सी से जाना पड़ा देहरादून। तो उत्तरकाशी से हेली सेवा का उद्घाटन होने के बाद अभी तक शुरू नहीं हो पाई सेवा। शनिवार को 5 यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे। माता लक्ष्मी को न्योता, आज बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। लेंस डाउन में 54 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित हुआ। हरिद्वार के 4 चरस तस्कर को पुलिस ने दबोचा। कोटद्वार में बढ़ती रही आबादी, घटती रही पुलिस। श्रीनगर बेस अस्पताल में ओपीडी का बहिष्कार किया। चिन्यालीसौड़ तहसील में नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र। नई टिहरी के नागड़ी के समीप चरस के साथ 4 गिरफ्तार हुए। कल्पना चौहान ने बिखेरा सुरों का जादू। तो श्रीनगर से खबर है, बैकुंठ मेले में लोक गायिका कल्पना और रोहित के गीतों की रही धूम। स्कूली बच्चों ने बनाई आकर्षक रंगोली। पौड़ी परिसर के छात्रों को मिलेगी बस की सुविधा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में गौरव दिवस मनाया। दून हरिद्वार के बीच जल्द बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। तो रेलवे के GM अशोक कुमार वर्मा ने किया ट्रैक और स्टेशनों का निरीक्षण। अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी का हिस्सा धरकर आवाजाही ठप हुई। प्रादेशिक सेना भर्ती वाहनों में सीट को मारा मारी। तो पिथौरागढ़ से खबर है, प्रादेशिक सेना की भर्ती को आए युवाओं को घर वापसी के लिए वाहनों का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे युवा दिन भर परेशान रहे। बिहार झारखंड से आए युवा दिन भर रोडवेज बस अड्डे पर हल्द्वानी जाने वाली बस के लिए जूझते रहे। पिथौरागढ़ जाने को बस की खिड़कियों से चढ़े। मोहन भागवत ने चखा गहत का स्वाद। चरस तस्करी के 2 दोषियों को सजा हुई। पहाड़ी से गिरी महिला अस्पताल में बवाल। तो कनारी पांभे में एक महिला घास काटने के दौरान पहाड़ी से गिर गई। लोगों ने घायल अवस्था में अस्पताल लाए। उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। सड़क हादसे में घायल 10वीं के छात्र की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, सड़क हादसे में घायल 10वीं के छात्र की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बोराणी मेला 27 फीट लंबी मशाल से मंदिर पहुंची। भूमिका हेमा बीना का नवोदय में हुआ चयन। हरिद्वार ऋषिकेश में खेल इंतजामों से GTCC संतुष्ट। दून में भिड़ेंगे 5 राज्यों की महिला क्रिकेट टीमें। विदेश में नौकरी के नाम पर 24 लाख रुपए ठगे, आरोपी गिरफ्तार हुआ। दून में खुलेआम जल रहे कूड़े से फिर खराब श्रेणी में पहुंची हवा। जूनियर इंजीनियरों ने मांगों को लेकर किया सत्याग्रह। वॉल्वो की सवारियों को साधारण बसों से देहरादून में भेजा दिल्ली। चुनौतियाँ बढ़ेंगी, डाटा सुरक्षा का घेरा मजबूत करना होगा। दून और हरिद्वार के बीच जल्द बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। आज से रुड़की से दिल्ली जाने की दुश्वारी, बसें नहीं ले जाएंगी सवारी।
करवट ले रहा मौसम, जकड़ रही बीमारियां, तो जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या 200 से पहुंच गई 400 तक। तो ठंड के मौसम की भले ही शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बुखार लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है। बैदराबाद सीएससी में 3.5 माह से एक्सरे सेवा ठप है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, तो पत्री से खबर आई है। महिला से मारपीट में कोर्ट के आदेश पर 5 के नामजद। सुबह 10 बजे तक छाया रहा कोहरा, बड़ी ठंड। ताइक्वांडो में अंश को गोल्ड। 100 मीटर में तुषार और मनीषा ने मारी बाजी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया, बाद में इनकार। तो 4 लाख रुपए मांगे थे, दहेज में 3 लाख दे दिए थे। 45 डेबिट कार्डों से निकाले गए सिपाही के खाते से 8 लाख रुपए। घर की दीवार तोड़ने का विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा। तेज रफ्तार वाहन अनियत होकर चौक पर पलटा, तो सिटकुल से खबर आई है। गेम खेल रहे किशोर से बाइक सवारों ने मोबाइल फोन झपटा, तो हरिद्वार से खबर आई है। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में भीड़ी कार और स्कूटी जमकर चले घुसे, तो नगर के मॉल रोड पर चौघान पाटा के पास कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। इससे कार चालक का पारा चढ़ गया और उसने स्कूटी चालक के साथ हाथापाई कर दी है, साथ ही स्कूटी सवार की चाबी छीन ली। इस दौरान कुछ लोग वहां बीच बचाव को आए, लेकिन मामला बढ़ता गया। इस दौरान मॉल रोड पर लंबा जाम लग गया। सांकर जमरिया मार्ग पर खाई में गिरा पिकअप, चालक घायल हो गया। ट्रक खाई में गिरा, चालक घायल, तो भवाली से खबर आई है। मारचुला हादसा, 13 दिन बाद खाई से निकाली गई मौत की सवारी। डाकघर में खाते से 7 माह में निकल गए 95,000 रुपये। काला तीर कीटनाशक बांटने के मामले में जांच नई टीम करेगी। तोली की लीसा फैक्ट्री में धधकी आग। कपकोट में हेडपंप और सरियों से ढोकर लाना पड़ रहा पानी। कोसानी बेजना धाम के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार किया। बियर के 40 रुपये अधिक मांगने पर दो पक्षों में मारपीट हुई, तो सोमेश्वर से खबर आई है। केमू स्टेशन के पास लगा कूड़े का ढेर। पुस्तकालय को वापस नहीं मिली 292 किताबें। गणित पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक, तो जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसमोली में शिक्षकों के 2 पद रिक्त हैं। विद्यार्थियों को गणित और कला विषय का ज्ञान नहीं मिल रहा है, इन विषयों में अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं। हवालबाग विकासखंड ने अल्मोड़ा ब्लॉक को हराया। 100 मीटर में कमलेश और पिंकिया बल रहे।